हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पीसी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में इस तरीके की रेनबो सेल्फी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल गया है, मतलब काफी ज्यादा लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं, मतलब इस एडिटिंग को यूज कर रहे हैं, और काफी ज्यादा लोग इसको मतलब पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखनी है इस तरीके की एडिटिंग, काफी अच्छी लगती है, फेस पर आती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐप इंस्टॉल करना है, और मुझे पता है आपके फ़ोन में वो ऐप पहले से इंस्टॉल भी हो रखा होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के फ़ोन में वो ऐप पहले से इंस्टॉल हो रखा होता है। तो उस ऐप की मदद से आप ये देखिए कितनी अच्छी सेल्फी है ये, और मतलब इस तरीके का अपने फेस पे रेनबो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये सब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है तो आप इसे सिंपली ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे, इस पे प्लस पे क्लिक कर लेना है और एडिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी फोटो में आप ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं एड्स ऑन लिखा है, ये फर्स्ट वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कर लीजिए और ऊपर सर्च में लिख दीजिए रेनबो। जैसे आप रेन लिखेंगे, बीच वाला आप देख रहे हैं रेनबो ड्रीम्स, ये वाला जो मतलब वो है कहते हैं इफेक्ट है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जो क्लाउड का बटन है, ये क्लाउड का बटन बनाएगा, उसके बाद आपको ये यूज लिखा आ जाएगा, जैसे पिंक कलर के बॉक्स में लिखा है। इसके बाद लास्ट वाला जो रेनबो इफेक्ट है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है, जो एकदम लास्ट में आ रहा है अकेला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसको आपको अपने फेस पर लगा लेना है, जैसे मतलब आप तरीके से, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हैं इसको। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ब्लेंड का ऑप्शन है, एक ब्लेंड, इस पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे नॉर्मल, और ये काफ़ी मल्टीप्लाई, ये काफ़ी सारे चीज़ें लिखी हैं, इसमें आपको राइट स्वाइप करते जाना है, और ये सेकंड लास्ट है ओवरले, इस ओवरले पे क्लिक कर लेना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज में रेनबो को सेट कर देना है। इसके बाद आपको ये टिक जो ऊपर देख रहे हैं, टिक पे क्लिक कर देना है और अपनी इमेज को सेव कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।